आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा आज का प्रश्न है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक निश्चित दूरी तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वापस चलता है। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट लगे तो दूरी ज्ञात कीजिए। हमारे दिए हुए विकल्प इस प्रकार हैं, पहला है 25 किलोमीटर, दूसरा है 30 किलोमीटर, तीसरा है 20 किलोमीटर और चौथा है 15 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि वे पहले जाते समय कितना लेता है। 25 किलोमीटर माना हमने कुल दूरी x है, माना कुल दूरी बराबर x है, तो हम इसे लिख सकते हैं x बटे 25 धन वापस वो कितने से आता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, और आने और जाने में वो कुल कितना समय लेता है, 5 घंटे 48 मिनट। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 48 बटे 60। इसे हल करने पर हम लिख सकते हैं x बटे 25 धन x बटे 4 बराबर 12 चौके 12 पन्ना। हल करने पे आया हमें 29 बटे 5। इसे ऑल हर लेंगे, 25 और 4 का लासा मानेंगे 100 प्राप्त होगा, 4x धन 25x बराबर 29 बटे 5। ऑल हर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 29x बटे 100 बराबर 29 बटे 5। हम x का मान निकाल लेंगे, x बराबर होगा 29 बटे 5 गुणे 100 बटे 29। 29 से 29, 5 एकम 5, 20। तो हमारी दूरी कितनी आई, x बराबर हमें आया 20 किलोमीटर। अब हम देखेंगे इसके अनुसार हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है, तो हम कह सकते हैं हमारा विकल्प 3 सही है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।